के फान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। एक ऐसे एक्टर जो पिछले 55 साल से इंडस्ट्री में है, नायक से महानायक तक का सफर उन्होंने तय किया है। रोल कोई भी हो वो पूरी शिद्दत से अदा करते हैं और हर किरदार में जान फूंक देते हैं। सफलता के आसमान पर हैं और आज भी अपने काम को लेकर इतने एक्टिव और पंक्चुअल हैं कि अच्छे अच्छे नौजवान शर्मा जाएं। जी हां, आज किस्सा में हम बात करेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की, जो आज 81 साल के हो गए हैं। पर कहते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर। इस उम्र में जहां लोग रिटायरमेंट के बाद घर बैठकर सुकून की जिंदगी बिताते हैं, बिग बी की दमदार मौजूदगी बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक हर जगह बरकरार है। यूं ही नहीं कोई बिग बी बन जाता है, सही बात है। अमिताभ बच्चन भले ही मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के बेटे हों, लेकिन उन्हें यह कामयाबी यूं ही नहीं मिली। उनके संघर्ष के दिन असल में किसी आम आदमी की तरह ही रहे हैं। अमिताभ बच्चन आज भले ही अपनी एक्टिंग के साथ साथ दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हों, लेकिन एक वक्त था जब उन्हें अपनी आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो में भी रिजेक्शन झेलना पड़ा। एक इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बिग बी ने बताया था कि वह ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मुंबई आए थे। उन्होंने सोचा था कि अगर वो एक्टर नहीं बन पाए तो टैक्सी चलाकर ही गुजारा कर लेंगे। इतना ही नहीं, अमिताभ ने पैसों की तंगी के चलते कई रातें मरीन ड्राइव के बेंच पर सोकर भी बिताई। अमिताभ बच्चन के शुरुआती दिन काफी उतार चढ़ाव से भरे रहे। उनके जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी नौकरी और पहली फिल्म के स्क्रीन टेस्ट में से किसी एक को चुनना था। अमिताभ बच्चन के हाथ में उस समय 1600 की नौकरी हुआ करती थी। उस समय के जमाने में यह रकम काफी बड़ी होती थी। हालांकि उनके सामने जो फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट था वो फिल्म मनोज कुमार की थी, ऐसे में उनके लिए चुनाव आसान नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ ने इस फिल्म के स्क्रीन टेस्ट को ठुकरा दिया। उन्होंने स्क्रीन टेस्ट नहीं दिया और वह दिल्ली वापस लौट आए थे। बाद में उन्होंने सात हिंदुस्तानी उनकी पहली फिल्म थी, जिसके बदले में उन्हें 5000 रुपए बतौर फीस मिली थी। लेकिन यहाँ उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई और उसके बाद आई 12 फिल्में भी असफल रही। कोई उनके साथ काम करने के लिए भी राजी नहीं था, लेकिन प्रकाश मेहरा की जंजीर से उनकी किस्मत चमकी और वह बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन बन गए। और फिर क्या था, फिर तो सुपरहिट फिल्मों की लाइन लग गई। अब चलिए अमिताभ बच्चन के पर्सनल लाइफ का एक ऐसा किस्सा आपको बताती हूँ जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। वही अगर अमिताभ बच्चन के पर्सनल लाइफ की बात की जाए और रेखा का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर के किस्से तो हर किसी ने सुने हैं, और इन दोनों का प्यार 80 के दौर में परवान चढ़ा, जिसका अंत अच्छा नहीं हुआ। दोनों आज बिल्कुल अलग जिंदगी जी रहे हैं। अमिताभ जहां पत्नी, बच्चों और नाती पोतों के साथ खुशनुमा जिंदगी बिता रहे हैं, वहीं रेखा 69 साल की उम्र में अकेले जिंदगी बिता रही हैं। इन दोनों से जुड़े कई सारे किस्से हैं। 80 के दौर में अखबारों और पत्रिकाओं के पन्ने रेखा और अमिताभ के किस्सों से भरे रहते थे। फिर भी उनके रिश्ते से जुड़ी एक घटना का जिक्र बहुत कम मिलता है, और वो है कि एक डांसर की वजह से अमिताभ ने रेखा पर हाथ उठा दिया था। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। यह पंक्तियाँ किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमिताभ बच्चन ने लिखी है। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन बेहतरीन एक्टर सिंगर होने के साथ साथ एक लेखक भी हैं। अपने ब्लॉग से लेकर ट्विटर तक अमिताभ अपने फैंस को जवाब देते रहते हैं। वे उन्हें अपनी एक्सीडेंट फैमिली मानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक्टर की सफलता में सबसे बड़ा हाथ फैंस का होता है। इसी तरह युवा पीढ़ी के कलाकारों को प्रोत्साहित करना, उनसे तालमेल बिठाना अमिताभ की एक और बड़ी खूबी है। जिस एक्टर की एक्टिंग उन्हें अच्छी लगती है, वे उन्हें अपने हाथ से लिखा प्रशस्ति पत्र और फूल जरूर भेजते हैं। साथ ही कलाकारों के जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी जैसे खास मौके पर उन्हें शुभकामनाएं देना भी नहीं भूलते। जबकि सोचिए, हम आप में से कई अपने रिश्तेदारों तक का जन्मदिन भूल जाते हैं।
बेहतरीन अदाकारी के अलावा ये अनूठी खूबियां अमिताभ बच्चन को औरों से अलग बनाती हैं। शायद यही है कि इंडस्ट्री में तमाम सुल्तान और बादशाह आ जाने के बावजूद माया नगरी का यह शहंशाह अपने लंबे ऊंचे कद के साथ डटा हुआ है। किस्सा में फिलहाल इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।